हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और ये वीडियो एक अनाउंसमेंट वीडियो है एक क्लास के बारे में। एक क्लास स्टार्ट किया जा रहा है ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं उन बच्चों के लिए एक लाइव क्लास स्टार्ट किया जा रहा है केमिस्ट्री का। ट्वेल्थ का केमिस्ट्री स्टार्ट होगा 30 तारीख से, 30 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास स्टार्ट किया जा रहा है ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ एम लाल सर। जो बच्चे पटना में एम लाल सर से उनके कोचिंग में पढ़ते हैं उनकी ट्वेल्थ की पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरा इंडिया बंद है और पटना भी बंद है, तो उन बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो सके उसके लिए ये क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो कोई भी देख सकता है, ठीक है। कोई भी लड़का अगर वो ट्वेल्थ में है पटना में या किसी भी शहर में किसी भी टीचर से पढ़ता है वो ये क्लास ज्वाइन कर सकता है और अपने ट्वेल्थ की पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। ये इस क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। जैसे ट्वेल्थ में सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन क्लास स्टार्ट होगा उसमें बेसिक ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाएगा पहले आपको। और टोटोमरिज्म तक लगभग मेरे हिसाब से 6-7 क्लास 8 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद ट्वेल्थ का स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपको ट्वेल्थ का आइसोमरिज्म समझना है तो इलेवेंथ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो एक बार आपके माइंड में ताजा ताजा रिविजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इलेवेंथ वाले कॉन्सेप्ट ट्वेल्थ में जब यूज होंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज होंगे और आपको याद अगर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दिस इज अ लाइव क्लास, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आप क्लास की तरह जितना चाहो उतना पूछ लो और सर आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, ट्वेल्थ का पढ़ा रहे हैं तो इलेवेंथ का भी अगर आप भूल चुके थोड़ा बहुत हिंट दे दें, ऐसा नहीं होगा। सर पूरी तरह से फ्लो में पढ़ाएंगे तो आपको पूरी चीजें आइसोमेरिज्म का बेसिक पता हो, इसीलिए पहले आइसोमेरिज्म का बेसिक पढ़ाया जाएगा और 6-7 क्लास में, उसके बाद ट्वेल्थ का स्टार्ट होगा। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखना और जो भी एम लाल सर के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, आपके रिक्वेस्ट पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग रेगुलर होके क्लास अटेंड करना, ठीक है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आप लोग सब लोग एक मैसेज जरूर करेंगे कि आई एम प्रेजेंट, मतलब जस्ट लाइक एम लाल सर को और हम लोगों को पता चले कि एटलीस्ट डेली एम लाल सर के स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं। और एम लाल सर के बच्चों को, जो बच्चे उनसे पटना में पढ़ते हैं, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली एम लाल सर को कॉल करके भी अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये क्लास अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट डे क्लास चलेगा 3 मई तक, ठीक है। 3 मई तक ये क्लास अल्टरनेट चलेगा। देखिए वीडियो डालने की उतनी जरूरत नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन हम व्हाट्सएप पे भी कन्वे कर सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि अल्टरनेट डे चलाओ सर, कुछ बच्चे कह रहे थे कि रेगुलर चलाओ। तो सभी बच्चों का कंक्लूजन देख के, सभी बच्चों का रिक्वेस्ट देखकर हमने एक कंक्लूजन लिया, हमने एक डिसीजन लिया और उसी डिसीजन को आपके सामने हम बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज फाइनल, 30 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, 3 मई तक ये क्लास अल्टरनेट चलेगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप 3 मई मत मान लो क्योंकि लॉकडाउन का अगर हटता भी है तो सिचुएशन नॉर्मल होने में 1-2 सप्ताह लगेगा, ठीक है। तो जब तक लॉकडाउन का सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक आपका क्लास अल्टरनेट डे ही चलेगा। एटलीस्ट हमें अपना ऑफिस खोलने का भी परमिशन मिल जाए तब हम क्या कर सकते हैं कि इस क्लास को रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप अल्टरनेट डे पढ़ो, ठीक है। अल्टरनेट डे रोज शाम 8 बजे से क्लास चलेगा, 8 PM से। तो जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एमलाल सर के स्टूडेंट हो या कोई और स्टूडेंट हो जो एक अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका ट्वेल्थ का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, तो ये क्लास ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, अगर आपको इस क्लास का बेनिफिट लेना है तो यू हैव टू बी रेगुलर, आपको रेगुलर रहना होगा, ठीक है। और यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यूट्यूब से बहुत बार आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे कि हाउ टू स्टडी ऑनलाइन, तो इसके बारे में मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन आपको अगर सही तरीके से पढ़ाई करना है तो उसको क्लास की तरह ट्रीट करना पड़ेगा।
जैसे आप क्लास में क्या होता है कि आप 1 घंटे के लिए क्लास में बैठते हो, ठीक है, आप ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे क्लास में बैठे हो तो 10 मिनट आप गाना सुन लेते हो, ऐसा यूट्यूब पे वीडियो देखने वालों के साथ होता है। वो 10 मिनट 20 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, किसी का मैसेज आ गया उसका मैसेज देख लेने लगते हैं, कहीं क्यों कोई मीम देखते हैं, कोई फेसबुक चलाते हैं, कोई व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई गाना सुनने लगते हैं, फिर वापस आते हैं 10 मिनट बाद। तो ऐसे पढ़ोगे यूट्यूब से किसी भी टीचर से तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसको पूरी तरह से क्लास की तरह ट्रीट करना होगा और क्लास की तरह पढ़ना होगा। जैसे आप क्लास में पढ़ते थे कि सर बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद आप उसको नोट करते हो, तो यहाँ भी आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीजें बोर्ड पे लिखी जा रही है उसका नोटबुक में नोट करो और अपना नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अल्टरनेट डे क्लास होगा, एक दिन आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी बुक आपके पास है, या एमएस चौहान की बुक है, नहीं है तो आप एमएस चौहान की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको मार्केट में, या आपके पास होगा तो आप अभी लॉकडाउन की वजह से आप नई किताब तो नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एमएस चौहान की किताब है, एमएस चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और एमएस चौहान की बुक से आप सवाल सॉल्व करेंगे। एक दिन क्लास होगा और एक दिन आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप सवाल सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आपको जो भी डाउट होगा, जो भी एमलाल सर के स्टूडेंट है, वो डायरेक्टली एमलाल सर को कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस लाइव क्लास के बारे में। और अभी कुछ ही बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो पाए हैं, तो जितने भी एमलाल सर के स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को बताओ, अपने दोस्तों को फोन करके बताओ, मैसेज करके बताओ कि एमलाल सर करियर कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर लाइव पढ़ा रहे हैं, 8 बजे से आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। अगर वो लड़का एमलाल सर से पटना में नहीं भी पढ़ता है, किसी और टीचर से भी पढ़ता है, उसकी पढ़ाई नहीं है स्टार्ट हो पा रही है, तो आप उसको बता सकते हो, क्योंकि दिस इज फ्री फॉर ऑल, ये सबके लिए फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो कोई भी लड़का कहीं भी पढ़ता है, अगर वो 12th में है और आईआईटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, 12th की तैयारी करता है, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाओ। इस वीडियो को शेयर करो, अपने फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो, पर्सनली कॉल करके बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास ज्वाइन कर सके। जो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग रेगुलर रहें, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हैं। लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस, जो 12th का सिलेबस है, वो टाइम पे कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो अभी अल्टरनेट डे है, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर रहोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, इंटरेस्ट दिखाओगे लाइव क्लास में, तो इसको डेली किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट है इस लाइव क्लास के बारे में, आप कमेंट करके पूछिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को कॉल करके भी बताइए। कोई भी लड़का है जो 12th क्लास में है वो एक क्लास ज्वाइन कर सकता है, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे एमला सर भी मोटिवेट होंगे, और तब जाके हम इस क्लास को अल्टरनेट डे से रेगुलर कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम अल्टरनेट डे चला रहे हैं आपका इंटरेस्ट चेक करने के लिए, अगर हमें अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिलेगी हम इसे रेगुलर कर देंगे, ठीक है। तो बाय बाय, आई होप कि आप लोग सब लोग 30 तारीख को, 30 अप्रैल से 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग सब लोग 30 तारीख को 8 बजे करियर कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आइएगा, वहां पे आपको लाइव क्लास मिल जाएगा। बाय बाय।